बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारों की गूंज के बीच भी बेटियां कचरे के डिब्बों और सड़क किनारे झाड़ियों में फेंकी जा रही है। जहां एक तरफ कल पूरे देश महिलाओं के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान में जुड़वा बच्ची पैदा होने पर माँ बाप उन्हें पब्लिक टॉयलेट में फेंक कर चले गए। यह दिल को झकझोर देने वाला मामला राजस्थान के राजसमंद जिले का है। यहाँ के नेशनल हाईवे 8 के पब्लिक टॉयलेट में दो जुड़वा बच्चियां मिलने से हड़कंप मच गया, जिन्हें आनंद फानन में राजसमंद के आरके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां बच्चियों की हालत नासुक बनी हुई है। दरअसल बुधवार सुबह गोमती ओतपुर के धानिन के पब्लिक टॉयलेट में सफाई कर्मचारी जब सुबह टॉयलेट की सफाई करने पहुंचा तो वहां का नजारा देखकर हक्का बक्का रह गया, क्योंकि वहां दो नवजात बच्चियां एक कंबल में लिपटी हुई थी और जोर जोर से रो रही थी। सफाई कर्मचारी ने इसकी सूचना तुरंत ही टोल के कंट्रोल रूम को दी और पास के थाने में भी इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद दोनों बच्चियों को आरके अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों बच्चियों का जन्म 24 घंटे के भीतर ही हुआ है। जिला अस्पताल के डॉक्टर ललित पुरोहित ने जानकारी देते हुए बताया कि दोनों नवजात बच्चियों को टोल प्लाजा कर्मियों ने अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां इनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। बच्चियों का वजन काफी कम है। स्वास्थ्य में सुधार होने पर दोनों बच्चियों को उदयपुर के अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। फिलहाल अस्पताल में बच्चियों के लिए बेबी मिल्क की व्यवस्था है। दोनों बच्चियों में से एक का वजन 800 ग्राम और दूसरी बच्ची का वजन 1 किलो के आसपास है। डॉक्टर्स ने बताया कि दोनों बच्चियां जुड़वा हैं, तो वहीं सूचना मिलने पर बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी भी मौके पर पहुंचे और जानकारी ली, और साथ ही पुलिस भी अब आसपास के सीसीटीवी फुटेज की मदद से बच्चियों के माता पिता के बारे में जानकारी जुटा रही है। वहाँ पर दो नवजात शिशु को कोई अज्ञात व्यक्ति फेंक चुके हैं, तो हम जब वहाँ मौके पर पहुँचे तो हमने पाया कि दो बच्चियाँ थी नवजात, जिनको हमने वहाँ देखा और जिनको हम आरके हॉस्पिटल लेके गए। दोनों की वजन बहुत कम है, एक का लगभग 800 ग्राम है और एक का 1 किलो के आसपास है। अब हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति बहुत नाजुक है।